नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र निषाद। डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारत के भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं और फिर आगे भी हम इसी तरह से पूरे भारत के भूगोल को कवर करेंगे। इसमें आज पहला पार्ट में हमारा ये रहेगा भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ, भारत की जो अवस्थिति है उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसका भाग एक है। आगे के पार्ट में हम इसके आगे की भी जानकारी देंगे और इसी तरह पर्वत, नदियाँ, इसी प्रकार के सारे भारत के भूगोल को हम कवर करने वाले हैं। तो भारत के भूगोल को जानने से पहले तो हमको बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी कि भाई भारत का नाम भारत क्यों है। ये तो सभी को पता होगा, हमारे पुराने ग्रंथों में सब लिखा हुआ है भारत के बारे में, लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में, जो हिंदुस्तान बोलते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इंडोई शब्द से हुई है। यूनानी शब्द था इंडोई, जिसे रोमवासी, जो हमारे यहाँ जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, आज भी इंडस कहते हैं। आप नेट में देखेंगे तो भी इंडस के ही नाम से लिख के आएगा, सिंधु बहुत कम लिखता है। तो उस इंडस नदी की वजह से इसका नाम, क्यों? चूँकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ पूरा द्वीप है, उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, जानते हैं सभी, इस वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा। उसके बाद इसको पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान रखा है। इस प्रकार से तो भारत का नामकरण हुआ है। अब आते हैं इसकी अवस्थिति को देखते हैं हम कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति को देखने के लिए आपको हमको देखना पड़ेगा, ये जो रेखाएँ हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सभी विश्व के सारे जो ग्लोब में जो देश होते हैं, पूरी स्थिति जो है उसको हमने दिखा दिया। तो इसमें आप देखेंगे जो मध्य की रेखाएं हैं, ये वाली, ये जो रेखा है 0 डिग्री पे, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन आपने सुना होगा, और इसी को विषुवतीय भी बोलते हैं। ये नाम बहुत कम पढ़ते हैं, विषुवतीय रेखा। ये अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर आपने इससे पहले 10वीं 12वीं में 11वीं में पढ़ा होगा। तो ये जो लाइन है, खड़ी लाइन, उसको बोलते हैं देशांतर। ये है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। इसके आधार पे भारत की अवस्थिति को हम देखेंगे। उससे पहले हम भारत की कुछ चीज़ें और भी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो भारत की जो स्थिति है, जनसंख्या में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। 7वें स्थान पे किस प्रकार से है भारत वो देखते हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे ये पूरा एशिया महाद्वीप में बसा है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पर है, आपको दिखेगा ये पूरा, यहाँ से एशिया महाद्वीप होता है पूरा। तो ये जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में हमारा भारत मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का स्थान आता है, दूसरा नंबर कनाडा का आता है, तीसरा यूएसए, अमेरिका जिसे बोलते हैं, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठवा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अपना भारत। इसे याद करने के लिए आप सिंपल से आप देखिए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जंप करते रहिए, याद हो जाएगा। अब इसको हमने दो भागों में जैसे बांट लिया है, इधर से कूद जाइए यहाँ पे, तो ये दूसरा हो गया, उसी के नीचे जस्ट तीसरा है, फिर वापस चौथा, फिर वापस पांचवा, फिर वापस छठवा, और सातवा अपना भारत। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो जल्द से याद हो जाएगा। ये 7 हैं पूरे, 7वां नंबर हमारे भारत का आता है। साथ में ही आगे देखेंगे तो 8वें नंबर पे कजाकिस्तान, 9वें नंबर पे अर्जेंटीना, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया का नंबर आता है जो अफ्रीका में है। ठीक है, ये 8वें नंबर पे है, ये है 9वें नंबर पे, और ये 10वें नंबर। भारत की जो स्थिति है अब वो हम देखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा जो मैंने बताया था, 0 देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, आपको दिखेगा ये सेंटर लाइन है हमारे पास, और ये भारत की स्थिति। तो भारत इस ओर मिलेगा, मतलब इधर, इसको बोलते हैं उत्तर, ये है दक्षिण, पूर्व, ये है पश्चिम दिशा। 4 दिशाएं होती है। दिशा के आधार पे हम देखें तो ये जो मध्य वाली लाइन है,
किसको बोलते हैं? उत्तर पूर्व। तो भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व में। तो जो मध्य वाली लाइन है, देशांतर रेखा, मध्य देशांतर जो 0 डिग्री है, उसके इस ओर मतलब पूर्व दिशा की ओर जितने भी देशांतर हैं सब क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और इधर होंगे उसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। वैसे अक्षांश में भी है, अक्षांश के लिए हमको सेंटर लाइन जो है भूमध्य रेखा उसे देखना पड़ेगा। इसके ऊपर जितनी भी लाइनें हैं उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और सेम नीचे वैसे ही दक्षिणी अक्षांश। इस आधार पे हम भारत को विभाजित करते हैं। तो भारत की स्थिति आपको इस ओर मिलेगी जिसे क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी। इसीलिए जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं भारत में, या तो अक्षांश रेखा जो होगी वो उत्तर की ओर होगी, या तो फिर पूर्व की ओर देशांतर रेखाएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इन दिशाओं के आधार पर ही 4 ऑप्शन दिया होता है। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आप गलत लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम देखते हैं। ये तो रही भारत की स्थिति। भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है न्यूनतम वो है 876 किलोमीटर की। ये मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, भूमध्य रेखा ये है, ये वाली लाइन, और ये भारत अपना है, तो इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ठीक, भारत की जो स्थिति है, अवस्थिति, और उसे हम देखें तो स्थिति के अनुसार भारत चतुष्कोणीय, चार कोण वाला, आपको चतुर्भुज जैसा दिख रहा होगा आकृति। तो जो भारत की आकृति है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो चतुष्कोणीय है, त्रिकोण नहीं लिख के आना, कोई दिखता है नीचे से त्रिकोण है, त्रिकोण लगा के आ जाए, त्रिकोण ऑप्शन में होता भी है तो वो आपको लगाना नहीं है, चतुष्कोणीय है। भारत की जो क्षेत्रफल है कुल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये भारत के पूरे क्षेत्रफल हैं, और जनसंख्या में भारत क्या है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर किसका है? चीन का। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, आने वाले समय में अभी फिर से हाल ही में जनगणना होना है तो उसका डाटा जो बदल जाएगा वो 135 करोड़ से प्लस माइनस में हल्का फुल्का रहेगा, उसको हम देखेंगे, करंट का प्रश्न है। तो आज हमने इस स्लाइड में हमने जो देखा है वो हमने भारत की स्थिति देखी, भारत के जनसंख्या के क्षेत्र में स्थान देखा, क्षेत्रफल में देखा, और इस क्षेत्रफल में इससे पहले कितने देश आए, 6, उसको हमने जाना, भूमध्य रेखा से दूरी जानी, और इसके साथ ही ये किस दिशा में पड़ता है ये हम जाने हैं। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि ये कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में। पूरी पृथ्वी जो है ऐसे सर्कल है, तो उसमें जो ये लाइनें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था ये वही लाइन है देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर। और ये आड़ी लाइन है जो, इसको बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड, और ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? अगर हम इस पृथ्वी में बात करें, इस सर्कल की बात करें, तो आपको मैंने बताया ही था कि ये क्या है, विषुवतीय रेखा है, वो तो यहाँ पे है नहीं, नीचे है, और ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे हमारा भारत है। तो भारत की जो स्थिति एक्चुअल में है कितने देशांतर और कितने अक्षांश में, तो हम तो यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा और यहाँ लाइन खींचनी पड़ेगी, वही ये 2 लाइनें हैं जिसे हम देशांतर कहते हैं। ठीक, अब इसके आधार पे हम देखेंगे तो भारत का स्थिति देशांतर में देखें पहले तो 68 डिग्री जो है और 7 मिनट, ये डैश जो है, एक डैश सिंगल डैश जो होता है वो मिनट को दर्शाता है, डबल डैश रहता तो सेकंड को दर्शाता। तो यहाँ पे क्या है, 68 अंश और 7 मिनट के पूर्वी। क्यों पूर्वी? ये जो मध्य देशांतर है 0 डिग्री उसके पूर्व में है। अब ऐसा नहीं कि गुजरात पश्चिम में तो पश्चिम लगा दिए, वो सनि इधर से क्या हो गए, पूर्व में है, इसीलिए ये पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कितना? 68 डिग्री है और 7 मिनट है। वैसे यहाँ
अरुणाचल प्रदेश के पास 97 अंश और 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, ये भी पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल से रखें 6, 7, 8 कर दीजिए, 6, 7 बीच में 8, उससे याद रहेगा। ये FM रेडियो से याद रखें आप, 97.2 FM बचपन से सुने होंगे रेडियो मिर्ची, वैसे याद रखें। अब आते हैं हम अक्षांश के बारे में। ये तो हमारी देशांतर रेखाएं थी, अक्षांश रेखाओं को भी हम देखेंगे, जानेंगे उन्हें। तो अक्षांश रेखाएं हमारे भारत के मुख्य भूमि और हमारे द्वीपीय, ये दो क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्योंकि हमारी मुख्य भूमि यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इसका हमारा अक्षांश अलग होगा। यहाँ पे कुछ लक्षद्वीप वगैरह भी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, प्रेजेंट में ये देखें। और यहाँ पे अंडमान, तो ये वाला जो लाइन है यहाँ से गुजरेगा मुख्य भूमि, ठीक है, वो क्या है मुख्य भूमि, ये लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई, यहाँ से है, ठीक है, इसे ध्यान देंगे। तो ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश कितना, अक्षांश मुख्य भूमि 8 अंश और 4 मिनट, 8 का आधा 4, इससे याद रखें। और कौन सा, उत्तरी अक्षांश, क्यों उत्तर, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है इसके तो उत्तर में है ना, इससे मतलब नहीं है, भूमध्य रेखा से उत्तर में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 8 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि और उत्तर में जम्मू कश्मीर, आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर, तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे 37 अंश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान दें। द्वीपों सहित अगर पूछता है एग्जाम में तो 6 अंश और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी, ये पूरा उत्तरी अक्षांश बोला तो उत्तरी, देशांतर बोला तो पूर्वी, क्योंकि भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी में, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। इसे याद रखने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, 3, 6, 7 डायरेक्ट है, ये 8 जो है वो 4 का डबल कर दीजिए या 8 का आधा कर दीजिए, और ये 6:45 टाइम होता है, उसको हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो हमने इस स्लाइड में कौन सा अक्षांश कौन सा देशांतर इस चीज़ को जान लिया है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब भारत की जो भौगोलिक दृष्टि है उसमें हम उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, किस आधार पे हमने अक्षांश और देशांतर को बांटा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जो सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का वो है इंदिरा काल, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। दक्षिणतम पूछेगा तो द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट, द्वीपों के साथ इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि पूछे, जिसका अक्षांश मैंने आपको बताया था 8 अंश और 4 मिनट, याद होगा आपको, ये कितना होता है, कन्याकुमारी है, कौन सा, केप केमोरिन, यहाँ लिख देता हूँ, केप केमोरिन कन्याकुमारी में है, ठीक है, केप केमोरिन मुख्य भूमि, द्वीपों सहित इंदिरा पॉइंट, 2004 के सुनामी में डूब गया था, याद रखेंगे। यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात वाला सर क्रीक के पास, यहाँ आपको मिलेगा गुहार मोट, इसको किसी पुस्तक में गुहार मोती करके भी दिया होता है, ठीक है, गुहार मोती करके भी दिया होता है। पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी था, ये पूर्वी, केबीतू, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा भारत में समय निर्धारण के लिए भी, जैसे सभी देशों में अपना समय निर्धारण किया है, उसके लिए भी एक देशांतर है, जिसकी समय हम किसको माने,
नहीं तो ऐसे तो राजस्थान में कुछ और समय हो रहा होगा और उत्तराखंड में कुछ और हो रहा होगा और अरुणाचल में कुछ और हो रहा होगा, तो हम भारत के समय को माने किसे? एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि समय रेखा हमारी जो है उसका कहाँ से गुजरा हुआ है लाइन, देशांतर रेखा, तो उससे ध्यान देंगे हम लोग कितना है, ये पूर्वी रेखा 82.5 अंश। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 अंश। 82.5 मतलब 82 अंश 30 मिनट, या 82.5 डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मुख्यालय जो है समय रेखा वाला हमारा इलाहाबाद में, इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी एक स्टेशन है वहीं पे है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। तो एग्ज़ाम में जैसा आता है उसके हिसाब से आप इसका उत्तर देंगे। तो समय रेखा तो हमने निर्धारण कर दिया, तो ये जो समय है, समय जो हमारे घड़ियों में है वो इसी के हिसाब से है, सूर्य के हिसाब से नहीं है। सूर्य इसके हिसाब से नहीं उगता, पूर्व में सबसे पहले सूर्य उगेगा और यहाँ जो उगता है वो 2 घंटे पहले उगता है। तो यहाँ वाले के हिसाब से यहाँ के लोग पहले जल्दी उठ जाते हैं और यहाँ वाले के आराम से सूर्य होते हैं। वहाँ पे 4 बजे सूर्य उगेगा तो यहाँ पे 6 बजे उगेगा, पूर्व से लेकर पश्चिम का जो ये अंतर होता है। लेकिन समय सबका सेम हो रहा होगा, क्योंकि हमने जो समय नापा है वो तो 82.5 से नापा है। और इसको नापने के लिए सबसे अच्छा कैसे, सबको कैसे पता चलेगा भाई? सब अपने न्यूज़ चैनल में डाल देंगे और पता चल जाएगा। ये आसान तरीका है सबसे किसी चीज़ को फैलाने के लिए। अब इसको देखते हैं, अब इसकी जो क्षेत्रफल के हिसाब से हम जो क्षेत्रफल देखेंगे वो किस प्रकार से आता है। तो चतुष्कोणीय मैंने आपको बताया था, तो ये जो अक्षांश है, ये अक्षांश और इधर की देशांतर रेखाएं, अक्षांश अक्षांश का अंतर मिलाएंगे और देशांतर देशांतर का अंतर मिलाएंगे तो आपको लगभग 29-30 29-30 मिलेगा आसपास लगभग। इस वजह से हम लोग इसको चतुष्कोणीय बोलते हैं, 4 कोण मिलाने से चतुष्कोणीय इसको बोला जाता है। भारत की जो क्षेत्रफल है वो तो पूरा हो गया कंप्लीट, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर इसकी कुछ लंबाई भी है, वो हम देखते हैं। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे लिखिए 3 * 9, 3 कितने बार लिखा, 2 बार, ये किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, अब देखेंगे उत्तर से दक्षिण, इसे देखने के लिए आप क्या, मैंने इसको कैसे किया, ये किलोमीटर में ना, इसको भी आप उल्टा लिख दीजिए 3 2 1 और एक लास्ट में आप 4 लगा दीजिए 3 के बाद, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक के किलोमीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर की। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। भारत को दो भागों में डिवाइड किया है कर्क रेखा ने, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है, भारत को बीच से डिवाइड कर देती है कर्क रेखा। इसे के कौन से अक्षांश है, ये 23 अंश और 30 मिनट के, या 23.5 अंश के हैं, एग्जाम में डायरेक्ट यही लिख के आता है 23.5 अंश, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। 23.5 जो अंश है उत्तरी, ठीक है, ये सर्कल जो हमने बनाया था पृथ्वी का, ये बीच में कौन सा हो गया, भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, ये है 23.5, और नीचे भी है दक्षिण में भी है 23.5, इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो हमारा भारत यहां पे है, इसलिए भारत को बीच से डिवाइड करके कर्क रेखा गया हुआ है। 23.5 उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी, ठीक है, उसे ध्यान देंगे आप, 23.5 उत्तरी अक्षांश। अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है,
उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। इसे वृत्त कहा जाता है, कर्क वृत्त यहाँ लिखा हुआ है, इसे वृत्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पूरे सर्कल को, ये जो ग्लोब है, ग्लोब को आप अगर ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने की वजह से आपको क्या दिखेगा, ऐसा ऐसी लाइनें दिखाई देगी, और यह है उत्तरी ध्रुव। तो क्या जितना भी अक्षांश है वो वृत्त है कंप्लीट, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, कर्क वृत्त। ठीक है, इसी को हम साधारण भाषा में कर्क रेखा भी कह देते हैं, वो भी गलत नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। अब किन किन राज्यों से गुजरा हुआ है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 23.5 है ना, तो इसके राज्य कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है गुजरात, ठीक है, एक पश्चिम से शुरू कीजिए, पूर्व तक जाइए, इसके लिए आपको राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राज्यों को अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी बता देता हूँ। अभी पहले स्थान पर कौन सा है, शुरुआत करें तो गुजरात, दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश नहीं, तीसरा ये बीच में कौन है, राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए गुजरात के बाद सीधा मध्य प्रदेश में लोग जंप कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि राजस्थान का छोटा सा हिस्सा बस है, लेकिन है तो, इसीलिए हम दूसरा क्या बोलेंगे, राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश, उसके बाद चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, सातवा त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है ये वाला हिस्सा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिजोरम, आठवां। तो कर्क रेखा को जो है भारत को बीच से विभाजित करती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम लाइन से। इन्हें आप ध्यान देंगे विशेष, ये और ये, बाकी तो आप याद रख लेंगे, भूल जाए। और एग्जाम में इसके जो प्रश्न आएंगे वो ये पूछता है सीधा कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उसके लिए आपको ये मैप याद रहेगा तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। अब आते हैं इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितनी सीमाएं लगी हुई है, और इन पड़ोसी देशों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान, ये भारत का ये जो हिस्सा है, यहाँ से पूरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सबसे हमारा पहला पड़ोसी, चहेता पड़ोसी, जिसके साथ अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। 3,323 किलोमीटर, 4 बार 3 होना चाहिए था, बस बीच में एक बार 2 आ गया, उससे आप इसको आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान, ये हालांकि हमारे पास है नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये थोड़ा सा ये वाला हिस्सा पीओके का है, पाकिस्तान के पास है, इस वजह से वो हमारा पड़ोसी नहीं हो पाता, लेकिन हमने दावा छोड़ा नहीं है, इसीलिए हम उसको आज भी पड़ोसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, जो भी वर्तमान में पीओके के पास है। अगला है चीन, 3,488, 4 को डबल कर देना 2 बार हो जाएगा, उसे याद रहेगा आपको, 3-4 कंटिन्यू है और 4 को डबल कर दीजिए, हो जाएगा। अब हम जब प्रश्न आता है प्रश्न एग्जाम में कि सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो पहला हमारे मन में आता है चीन होगा या तो फिर पाकिस्तान, लेकिन आप भूल जाते हैं कि बीच में एक नेपाल भी है यहाँ तक, फिर यहाँ भूटान भी है, तो चीन की सीमा इस वजह से छोटी हो जाती है। तो नेपाल की जो सीमा है वो 1,751 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बगल में जस्ट सिक्किम और अरुणाचल के बीच में 699 किलोमीटर भूटान की सीमा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ है पूरा यहाँ म्यांमार की सीमा है, 4 राज्यों से अटैच है, 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सर्वाधिक लंबी सीमा
अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वह है बांग्लादेश। ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार आता है प्रश्न। सर्वाधिक लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर के साथ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सीमा इसी के साथ। कुल मिला के टोटल स्थलीय सीमा भारत की 15,200 किलोमीटर। यहाँ से आप पूरा शुरू करेंगे, पूरा ऐसे लेते हुए, तो आपको कितना मिलेगा, 15,200 किलोमीटर की सीमा। और समुद्र की जो लंबाई है 7,517, इसके साथ द्वीप भी जुड़े हुए हैं, ये और ये। तो इस प्रकार से समुद्र की सीमा बनी है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि हमारे कौन कौन पड़ोसी हैं और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करते हैं, उसके आधार पे जो भी प्रश्न आएंगे वो आप कर लेंगे। इसके आगे का जानकारी, जितने हमारे देश हैं उनकी विस्तृत जानकारी हम इसके अगले वीडियो में बना करके आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।